मीठी वाली चटनी, और मीठी चटनी के लिए मैंने आमचूर यूज करी हूँ। नहीं अभी ठीक है, और अपने आप ही थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें कती हो रही है चाट पापड़ी वाली। दुकान लगा सकती हूँ। ओए होए लव जी को तो ही जी शोर हो देख के तो मुझे। लो जी बहन जी को दिया जा रहा है। और जी बहन जी कैसा लगा बता। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और ये अपनी तो अपना वीडियो देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं। और मैंने इधर ये भिगो के रखा था आज मुल्तानी मिट्टी, दिख रहा होगा कैसे मैंने फोड़ फोड़ के इतना एब्जॉर्ब करा है इसने पानी। अब देखती हूँ थोड़ा सा अगर अच्छे से सॉफ्ट हो गया होगा, वरना इसमें थोड़ा सा मैं गुलाबरी यानी कि गुलाब जल वो रखा हुआ है वो थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी। और थोड़ा सा अगर पानी की नीड हुई पेस्ट बनाने के लिए तो यूज़ करूँगी। देखते हैं अभी इसको ट्राई करके। ठीक है गाइस, मैंने तो ये लगा ली है मुल्तानी मिट्टी, आप चेहरे पर देख सकते हैं मेरे, मैंने लगा रखी है पूरे में फेस पे। अब इतनी ठंडक मिल रही है ना, छोटे छोटे से दाने हो गए थे मेरे, तो अब इतनी ठंडक हो रही है, मतलब अच्छा सा फील हो रहा है। अब ये जितना मतलब ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे वॉश कर लूँगी, बस ड्राई होने की देर है। और अब तो गर्मियों में तो बस यही यूज़ करना है मुझे अब। पर मैंने आज बहुत दिनों बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज़ करी है, जब से मंगाई थी जब से अब यूज़ करी है। तो चलो मिलते हैं फिर अब ये वॉश करने के बाद। लव जी तो अभी चले जाएंगे छत पर एक्सरसाइज करने के लिए, और मैं कुछ चीज़ बनाऊंगी, और जुड़े रहना इस ब्लॉग के साथ और दिखाते हैं फिर। तो गाइस हम तो आ चुके थे ऊपर, और इनकी चल रही है एक्सरसाइज और हमारी भी चल रही है एक्सरसाइज। ये छोटे छोटे दो नंबर लग के ये हटेंगे तो मैं करूँगी। अच्छा जी हाँ, मेरे शोल्डर के रह रहे हैं। लो जी डू इट, शोल्डर वर्कआउट लग गएगी इनकी, शोल्डर वर्कआउट लगाओ। भाई खाली खड़े हैं उधर, भाई खाली हमारे, ये शोल्डर वर्कआउट देख लो, बेहतरीन, कर लो। चलो यार अपन तो कर रहा है इधर एक्सरसाइज अपनी पूरी तरह से। गली में क्या चल रहा है? गली का माहौल है ठंडा। और भैया क्या हाल चाल? बढ़िया हो गए डन? अपन लगाएगा फोरआर्म्स। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो आपको दिख रहा होगा मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, और इधर दही है इसको फेंट लूंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप, बस मैं आपको दिखाती रहूंगी, फिर लास्ट में पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो जुड़े रही है इस ब्लॉग के साथ, बेहतरीन चीज है। और अगर थंबनेल में देख लिया होगा तो फिर तो हम क्या ही कहें, समझ गए होंगे। तो चलो जितना सामान है उतनी सामान की हम बनाते हैं। ठीक है तो चलो मिलते हैं, अभी थोड़ा सा इसको फेंट लेते हैं। तो गाइज आज हम बनाएंगे मीठी वाली चटनी, और मीठी चटनी के लिए मैंने आमचूर यूज़ करी हूँ। ठीक है, रीज़न इसलिए मैं आमचूर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इमली है नहीं, सडनली हमें इंस्टेंटली हमें बनानी है, और जो सामान है घर पे वही हम यूज़ करेंगे, जैसे कि आमचूर पाउडर हो गया, सौंठ है, सौंठ पाउडर, और गुड़ है तो गुड़ हम डालेंगे, अगर वरना फिर शुगर ऐड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं तो कैसे कैसे क्या क्या करना है इसमें। थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड करके मिला दूंगी, ये जो पानी रख रखा है मैंने इसमें ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बना के, फिर जितना हमें थिकनेस चाहिए उतना मैं पानी का क्वांटिटी यूज करूंगी। चलो थोड़ा थोड़ा बनाते हैं फिर। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया, मैंने इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं सारा सामान एक एक करके डालूंगी फिर इसे पकाऊंगी। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सामान इसमें ऐड करूंगी, ये है लाल मिर्च, काला नमक, व्हाइट और गरम मसाला, जीरा पाउडर भुना हुआ, और ये है तुम्हारा सौंठ, ठीक है, सौंठ पाउडर, अदरक का जो सूखा हुआ पाउडर होता है वो है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, अब इसको हम मिक्स कर देंगे, फिर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसके लम्स जो हैं इसको गायब करने हैं मुझे, तो चलो पहले मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ फिर ऑन करती हूँ फ्लेम। देखिए अगर आपके पास ना वो वाली जो मिर्च नहीं आती है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, देखो मैं भूल गई बिल्कुल, कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, उससे थोड़ा कलर अच्छा आ रहा था, वो है नहीं, तो मैंने क्या किया थोड़ा सा चुटकी भर मैंने फूड कलर डाल दिया, अब है नहीं तो नहीं है भाई, वो डाल दिया फूड कलर थोड़ा सा रंगत के लिए अच्छा दिखे। अब मैं गुड़ ऐड कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैंने फोड़ लिया है इसको, अब इसमें ऐड करके फिर मिक्स करते हैं। मेरे पास थोड़ी सी बीज रखे थे मेलन के, तो मैं सोच रही हूँ डाल दूँ इसमें सनफ्लावर सीड और मेलन दोनों, थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं, बाकी वो दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं, ये भी पूरे नहीं अच्छे लग रहे। तो चलो मैं इसका टेस्ट और वगैरह सब कुछ देखती हूँ एक बार, जितनी थिकनेस चाहिए उतनी मैं रखूँगी इसे, क्योंकि ठंडा होने के बाद वैसे ही थिक हो जाता है। तो चलो मैं इसे एक बार टेस्ट करती हूँ, और जो भी कमी होगी वो उसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी शुगर कम थी तो मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिठास कम थी तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया, बाकी ये थिकनेस इतनी अभी ठीक है, और अपने आप ही थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें ढक कर रख देती हूँ। गाइस तो हम तो जा रहे हैं बाहर, क्योंकि जो मैं बनाने वाली हूँ उसका सामान कम पड़ गया है, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर। हम तो आ चुके हैं मौजपुर की मार्केट में, हम अंदर गलियों से निकल रहे हैं, जो मैंने बोला था ना कि सामान रह गया है हमारा, तो उसको हम ढूंढ रहे हैं।
इनसे बोलना भैया वो भल्ले पापड़ी वाली जो सेऊ आती छोटी छोटी सी दुख है वो होगी। अब हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ देख नहीं रही ना मुझे, मट्ठी तो डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ जो अब वो लेज वाली जो चिप्स हैं, चलो तुम पूछ लेना एक बार ये कौन सी कचौड़ी जैसी लग रही है। चलो हम पता करते हैं एक बार, वो वाली है जो हम लोग छोले के साथ खाते हैं ना। हाँ यार हमें मिली नहीं वो चीज़, नहीं मिली है ना, मुझे लग रहा है स्पेशल बनवाते होंगे वो, बहुत बारीक वाली जो जो कचौड़ी पे जो डाल, जो नमकीन वगैरह में नहीं पड़ी होती महीन महीन सी। हाँ। वो वाली कह रही हूँ पर वो मिली नहीं। चाप भी मिलते हैं चाप, हाँ चाप भी मिलती है, ये दोनों अलग अलग है। चाप और हम ले रहे हैं दही और दही पनीर ले रहे हैं अभी तो हम थोड़ा थोड़ा 250 ग्राम ताज़ा क्रीम ऑर्डर पर है। अच्छा ताज़ा क्रीम ऑर्डर पर है, लेते हैं पनीर कर दिया इसमें 250 ग्राम। हाँ कितने हो गए? 110। चलो जी अब हम लेते हैं और चलते हैं, फाइनली हमें मिल गई यहाँ पे। अच्छा वो कम दिखता है, चाट वाट पे डालते हैं ना वो वाला। अच्छा ठीक है ठीक है, भाई से बता रहे जीरो साइज ये जीरो साइज भाई। जीरो चलो लेते हैं, ये भी वाली सही है ना, सही है ना, थोड़ा सा फाइनली हमारे लिए आ गई। देख रहे 250 ग्राम कितनी होती है 250 ग्राम में, वरना हम क्या करेंगे फिर अगर जितनी क्वांटिटी सही लगेगी तो आधा किलो ले लेंगे वरना 250 ग्राम ले लेंगे। तो चलो करते हैं फिर हम, ये देखो मिल गई ना फाइनली। चलो मिल गई। यो भाई मित्रों ये बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल मेरे लिए। तो ये रहे पापड़ी, जैसे कि आप देख रहे हैं चार पापड़ी, एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है जी लगा, एक प्लेट लगा दीजिए महतरमा महतरम महतरम लगा रहे हैं। और ये हमारा शेव जो हम लेके आए थे 12 वाले जीरो साइज के, और इधर पड़ रहा है ताज़ा दही, देखिए क्या बेहतरीन दही पड़ रहा है इसके ऊपर, क्या बात है क्या बात है। अरे दही में डिप कर करके लगाते हैं, अरे लगा रही हूँ ना सब, फेंटा लगाया उन्होंने दही में अच्छा करके कैड़ा करके, पति जीशा आ गया, जीशा ही आएगा तुम्हारा। वाह एक प्लेट में चार पापड़ी मिलती हैं। हाँ जी बिल्कुल। और अब की रहेंदा, रुक तो जाइए फिर मैडम जल्दी आज चलाओ ऑर्डर है ना आपकी, ये तो पटे लगता है ना। हाँ, ये तो पटे लगता है। ओ भाई सब ग्रीन चिल्ली जी बिल्कुल, अब ये डलेगा इसमें ग्रीन चिल्ली भाई, हल्की हल्की हल्की, वाओ लुक लाइक वाओ लुकिंग लाइक ए वाओ। तो दोस्तों इस ब्लॉग के साथ में बने रहें, अब इसमें आ रही है लागत वाली चटनी, जैसे कि आप देख रहे हो लागत वाली चटनी आ गई ऊपर से, रंगत तो इसमें कति बेहतरीन। ओहो हो हो अब की पड़ा गया। ओ भाई साहब गार्निशिंग देख रहे हो कटी हो रही है चाट पापड़ी वाली। दुकान लगा सकती हूं मैं, कमेंट कर देना लगा दूं दुकान, दुकान है शॉप, दुकान ही बोलेंगे वैसे हिंदी में, दुकान बोल ठेला लगवाएंगे तुम्हारे, दुकान वकान नहीं चलती है। तो देखो भाई सब लुक देखो लुक, क्या लाजवाब लुक लग रही है शेव डालने के बाद में, आप ध्यान से देखिए इसको है ना बारीक शेव। एक चीज मिस हो गई, क्या रह गया? हां ये रह गया जो मैंने कूटा था, ये देखो इसमें जीरा पाउडर, क्या बात है क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। थोड़ा सा लिटिल बिट ओ थोड़ा सा दही पड़ेगा ऊपर से, क्या बात है। नमक वमक तो नहीं डालना इसमें? कुछ नहीं पड़ना, अगर कम लगे तो डालना। लो भाई सब हो गया जी, रेडी हो चुका है आपका, अगर कहेंगे आप लागत वाली डाल देती हूँ थोड़ी, लागत वाली थोड़ी सी डाल दो, इसमें लागत लगती है ना काफ़ी। ये देखो लागत वाली चटनी डली इसमें, वाओ। अब देखो भाई इसका लुक देख रहे हो क्या अमेजिंग है, सेव के बस मजेदार से हूँ। चलो खाओ तुम, खाओ ना पहले लगो, आप खाओ। आ चुके हैं बादशाह मैदान जंग में, यो मैन कितनी बेहतरीन लग रही है पापड़ी। हाँ ऐसे लग रहा है, एक मुंह में डाल लो एक, खा लो बेहतरीन खा लो, पता ही जीशा आ जाएगा। नमक पेशी में कम हो तो बता देना। ओए होए लव जी को तो ही जीशा हो रहा देख के तो मुझे। सच में बेहतरीन बेहतरीन
लो तुम भी खाओ। लाजी मैं भी खा के देखती हूँ। ओहो आराम से मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। मैडम एक प्लेट और लगा दीजिए। भाई सब मजा आ गया यार, मजा आ गया ना बहुत। एक बार ट्राई करके देखना घर पर बनाना है इसे, ठीक है? कितना लागत लगा इसमें? इसमें लागत कितना लगा? चटनी का सामान सारा घर पे था। चटनी तो ऐसे ही आपकी चल जाएगी है ना, दो तीन दिन चल जाती है। आमचूर की बनाइए, देख लेना पूरा देख। आमचूर की, आम को चूर चूर के इन्होंने चटनी बनाई है। ये लेके आ रही हूँ दही। ये आप नमकीन वाले से ले लेना किसी से भी। और ये भी ले लेना अगर पापड़ी चाहिए। पापड़ी भी मिल जाएंगी और बना के देखना है ट्राई करके। जी बिल्कुल जी, लो दही के साथ खाओ ना यार, क्या बात कर रहे हो लव जी। कदाई जी आ रहा है, एक पीस खिलाओ मुझे। हाँ दही के साथ डाइजेस्टिव अच्छा होगा। अब आएगा मजा। बोलो बोलो। देख रहा लथपथ हो रही है, भर के जा रहा हूँ मैं। मजा आ गया ना। लो यार मैं तो खाता हूँ इसको आराम से। चलो वीडियो के लिए मैंने चार पापड़ी रख ली थी, दो दो खा ली, बाकी लुत्फ बाद में उठाएंगे। खाना खाने के बाद जा रहे सारे लोग आ जाएंगे। हाँ यार फिर सबको खिलाएंगे, ठीक है? फिर इनसे पूछेंगे। तुम ही कह रही थी सामान में। गाइस देख सारा सामान मैंने रखा, एक आलू मिस हो गया मुझसे डलने। ये दोबारा से बनेगी प्लेट, अभी नहीं, अब खाना खाने के बाद। लेकिन इसमें भी जीश आ गया। गाइस देखो मैंने बताया था ना, मैंने बॉईल करके रखे थे आलू, ये मिस हो गए थे और मैंने बना दिए बाकी लोगों में। मैंने ये ऐड करे, मैं दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें आलू भी ऐड करे, देख सकते हैं आप, ठीक है? तो दोनों में मैंने ऐड कर दिए, तो बाकी चलो देखते हैं। लो जी बहन जी को दिया जा रहा है, इसमें आलू डाल दिए फटाफट से। अच्छे गुंडिया खा रहा है। गुंडे कैसा टेस्ट लग रहा है? इधर सतल सतल बता मुँह देखो इसका। ये गांठिया नमकी है, बोले गांठिया तेरी ये था जाएंगे बाबूजी, चुरा रहे तेरी वो बल्ले पापड़ी। और जी बहन जी कैसा लगा बता? सफा चट कर दिए थे, चाट चुकी तो बता वे लौंडे बढ़िया। मम्मी तुसी दसो किवें लगदा? चंगा इससे तो बढ़िया लगा, इससे तो गांठिया को तो बढ़िया लगा, एकदम लाजवाब लाजवाब। जाने तमन्ना। गाइस हमारी पापड़ी चाट कैसी लगी हो तो बताना। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।